कंसिस्टेंट ग्रोथ है, लोग अपने बच्चों को वैक्सीनेशन तो देंगे ही. एंड इट्स डाइवर्सिफाइड सॉल्यूशंस फॉर डायबिटीज, ऑन्कोलॉजी, वैक्सींस एंड कंज्यूमर हेल्थ केयर. साहब से ये बुलिश है तो इसीलिए मैंने चुना है. किस प्राइस पे खरीदे? किसी भी एफडी से ज्यादा होगा. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्प्रोटेक में. दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में दो एफडी स्टॉक के बारे में बताया था जो किसी भी एफडी से ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, और साथ में मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया था और पूछा था ये कौन सा स्टॉक्स है जो कि एफडी से ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, और ये बनाते हैं बच्चों के वैक्सीनेशन और बहुत सारे मेडिसिन. और कई लोगों ने इसका जवाब दिया. जो सही जवाब दिया है वह है सालनी हटकर ने, जिन्होंने बताया था कि कौन सी कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है. दोस्तों, ये जो स्टॉक मैंने गेस करने के लिए कहा था, इसका रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं. आप पिछले एक महीने में देखें तो 17% रिटर्न है, वन ईयर में देखें तो 53% रिटर्न है, फाइव ईयर्स में देखें तो 156% रिटर्न है, 10 ईयर्स में देखें तो 700% रिटर्न है. मतलब अगर एवरेज अगर आप देखें 5 ईयर्स का, तो किसी भी ईयर्स में ये ऑलमोस्ट 25-30% रिटर्न्स दे रही है कंपनी. मतलब किसी भी एफडी से अच्छे रिटर्न्स दे रही है. और ये बच्चों के वैक्सीनेशन बनाती है और भी बहुत सारी दवाइयाँ बनाती है. जैसे कि आपको याद होगा एविल, ये टैबलेट लगभग सभी लोग जानते होंगे. और इसके बनाने वाली कंपनी कौन है? इसे बनाने वाली कंपनी है सनोफी. सनोफी इंडिया बहुत सारे मेडिसिन बनाती है, जनरल मेडिसिन बनाती है, जिसे आपने अभी सुना होगा, एलिग्रा का नाम सुना होगा, ये भी आप पहले से भी जानते होंगे. और पोलियो का वैक्सीन के बारे में तो आपने सुना होगा, जो पोलियो की वैक्सीन आती है उसे बनाने वाली कंपनी है सनोफी, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लोगों को दिया जाता है. और ये पूरे वर्ल्ड वाइज अगर इसका देखा जाए तो एक साल में 1 मिलियन डोजेस से ज़्यादा वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए बनाती है. अगर डायबिटीज़ का इंसुलिन देखें तो ये भी इंसुलिन भी ये कंपनी बनाती है. वैक्सीनेशन में देखें तो सनोफी इंडिया के पास बहुत सारे पैटेंट हैं. दोस्तों, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ पैटेंट असाइन टू सनोफी पेस्टर. सनोफी पेस्टर जो कि इसकी ग्रुप की कंपनी है, और इसके बहुत सारे पैटेंट हैं, बहुत सारे वैक्सीन का पैटेंट है, बहुत सारे इसका पैटेंट्स हैं. मैं आपको दिखा रहा हूँ सनोफी इंडिया के जो टॉप ब्रांड्स मेडिसिन हैं, जिसे आप जानते होंगे, आपने कम्बी फिल्म का नाम सुना होगा, आपने ये बहुत सारे वैक्सीन बनाती है, डाइजेस्टिव बनाती है, एलर्जी के लिए बनाती है, वेल है, लिग्रा है, और भी डायबिटीज़ के लिए भी है, बहुत सारे मेडिसिन ये बना चुकी है. सनोफी इंडिया एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो पिछले 60 ईयर्स से इंडिया में मेडिसिन बना रही है. इसके पास 5,000+ एम्प्लॉइज़ है, और इसके पास 2,500 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर है, 1 लाख से अधिक फार्मेसीज है. फार्मा मैन्युफैक्चरिंग करती है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करती है. इसकी इंडिया में 3 प्लांट है, एक गुजरात में, गोवा में, हैदराबाद में, और 50+ कंट्रीज को ये मेडिसिन सप्लाई भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है. एंगेज इन द रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स. द वर्ल्ड लीडर इन ह्यूमन वैक्सींस, Sanofi prides itself in being a diversified global healthcare leader focused on patients' needs. And its diversified solutions for diabetes, oncology, vaccines, and consumer healthcare. All over the world, we are known for our brands that doctors and patients have come to trust. Lantus continues to be the number one in the long-acting insulin market. Plavix, our blood thinner, has become one of the top drugs in the world by revenue. And our vaccines, developed by Sanofi Pasteur, are market leaders all over the world. This is Sanofi's vision for its factory of the future. पहले मैं इसका की फैक्टर्स बता दूं. इसका मार्केट कैप है 14,420 करोड़ का, इसके शेयर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, पी है 38.52. अगर इसे कंपेयर करें इसी इंडस्ट्रीज के जो दूसरे स्टॉक्स हैं उसका एवरेज पी है 30, उससे थोड़ा ज़्यादा है. अब जो स्टॉक अच्छा होगा वो थोड़ा महंगा तो दिखेगा ही. और इसका बुक वैल्यू है 868 रुपीज का, तो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 7 टाइम्स है. और इसका जो लास्ट डिविडेंड दिया था इन्होंने वो 180% था. और इसका डिविडेंड यील्ड अगर इसके कैलकुलेट कैसे 180% से आज के शेयर प्राइस से, तो आता है 0.29%, जो कि थोड़ा कम है, डिविडेंड थोड़ा कम दे रही है. इसका EPS है 162 रुपीज़ का, ये काफ़ी अच्छा है. और रिटर्न ऑफ इक्विटी 18% है, ये भी काफ़ी अच्छा है. अगर इसका देखें रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो 38% है, जो कि बहुत ही अच्छी है.
और इसका जो अगर आप डेली का ट्रेडिंग देखें तो इसका डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 70% के पास इसका डिलीवरी है, जो कि बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है। इसका मैं डिविडेंड समरी दिखा दूँ, अगर पिछले 5-6 डिविडेंड अगर इसका देखें तो जो लास्ट डिविडेंड इसने दिया था एक महीना पहले वो था 180%, जो अमाउंट के रूप में देखें तो 18 रुपीज़ था, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। और अगर अप्रैल में इसका देखें तो इन्होंने 53 रुपीज़ डिविडेंड दिया था, लास्ट ईयर जुलाई में देखें तो 18 रुपीज़ था, उस लास्ट ईयर अप्रैल में देखें तो 50 रुपीज़ था। तो डिविडेंड भी देती रहती है, हालांकि जितना इसका ईपीएस है उसके हिसाब से थोड़ा कम डिविडेंड दे रही है। इसका मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ, तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी शेयर्स हैं वो है प्रमोटर्स के पास, प्रमोटर्स के पास लगभग 60% है, जो कि बहुत अच्छा है। प्रमोटर्स के पास एटलीस्ट 50% से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है। और म्यूचुअल फंड में इसने काफ़ी ले रखा है, लगभग 14% के आसपास म्यूचुअल फंड के पास है, FII के पास है 11% और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी है 2.21%। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने इसे ले रखा है, FII ने ले रखा है, मतलब सभी भी मानते हैं कि एक अच्छा स्टॉक है क्योंकि इसका ग्रोथ अच्छा है। अगर आप इसका टेक्निकल समरी देखें जो कि टेक्निकल चार्ट से बनाया गया है, तो अगर इसका मूविंग एवरेज चार्ट देखें तो उसके हिसाब से ये बुलिश है, बुलिंग बैंड के हिसाब से ये बुलिश है, मूविंग एवरेज भी देखें तो बुलिश है, और अगर केएसटी देखें, डाउ थ्योरी देखें तो हर जगह इसे बुलिश दिया गया है। ये एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल का चार्ट के हिसाब से बनाया गया है। तो चलिए मैं आपको इसका कंपैरिजन दिखाता हूँ फार्मा सेक्टर के जो टॉप कंपनीज हैं उसके साथ। तो ये मैंने चार्ट खोल रखा है जो कि मोतीलाल ओसवाल का चार्ट है, इन्होंने अरेंज कर रखा है मार्केट कैप के हिसाब से। तो मार्केट कैप से अगर देखें तो सन फार्मा नंबर 1 पे है, सिप्ला सेकंड पे है, इसी तरह से उन्होंने अरेंज किया है। तो यहाँ पे उन्होंने रिटर्न दिखाया है 1 डे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर्स का रिटर्न दिखाया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो किसी भी कंपनी का कंसिस्टेंट पॉजिटिव ग्रोथ नहीं है, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिटर्न यहाँ दिख रहा है रेड कलर से। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक कंपनी है टोरेंट फार्मा जो कि कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसके बाद अगर देखें तो आपको दिखेगा सिनोफी इंडिया जो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ इसका पॉजिटिव रहा है, फ्रीजर का भी पॉजिटिव रिटर्न रहा है। तो चलिए मैं कंपेयर करता हूँ टोरेंट फार्मा, सिनोफी इंडिया, फ्रीजर के चार्ट पे। यहाँ पे मैंने 3 कंपनियों का चार्ट खोल रखा है जिसने कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो टोरेंट फार्मा का अगर आप देखें तो 2015 से 2018 तक एक रेंज बाउंड में इसका रिटर्न रहा है। उसी तरह से फ्रीजर लिमिटेड का देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, बाद में भी वो संभला है। लेकिन आप सेनोफी इंडिया का देखें तो इसने गिरावट नहीं आई है, थोड़ा कांस्टेंट रहा है, लेकिन फिर भी अभी ऊपर की तरफ ग्रोथ रहा है इसका। तो इसीलिए मैंने चुना है सेनोफी इंडिया को फार्मा सेक्टर में। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसका शेयर खरीदना हो तो किस प्राइस पे खरीदे, क्योंकि इसका जो आज का शेयर प्राइस है वो लगभग 6100 का है। बहुत लोग सोचते हैं कि 1000 रुपये से ऊपर का शेयर है तो खरीदने से डरते हैं, लेकिन अगर इस शेयर में अच्छी ग्रोथ हो रहा हो, अगर FDs अच्छे रिटर्न दे रहा हो, और अगर आप थोड़ा सा सेफ्टी के साथ स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि कौन से प्राइस से खरीदना चाहिए। तो अगर टेक्निकल चार्ट से अगर एनालाइज किया जाए तो इसका अभी जो सही प्राइस होना चाहिए था वो होना चाहिए था 550 से 550-300 के आसपास। अगर ये शेयर मिले तो बहुत ही अच्छा समय होगा खरीदने के लिए, लेकिन इसके ग्रोथ के हिसाब से देखने से लगता नहीं है कि इस प्राइस पे ये आपको मिल पाएगा। तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, अगर इस प्राइस पे अगर मिलता है 650-600 के आसपास तो भी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो। और ये स्टॉक एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए ही लेने लायक स्टॉक्स है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ICICI डायरेक्ट का जो रिसर्च सेंटर है उन्होंने इसके लिए क्या टारगेट दिया है। उनका कहना है कि आप अभी करंट प्राइस जो है 6150 पे आप इसे खरीदिए, इसका टारगेट उन्होंने दिया है 6995 और शॉर्ट टर्म के लिए 6 मंथ के लिए, और उन्होंने स्टॉप लॉस दिया 5690। और इनका कहना है कि अगर 6 मंथ वेट करें तो मिनिमम 40% रिटर्न आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे लंबे समय के लिए रखें तो 4 ईयर 5 ईयर्स के लिए रखें तो आपको FD रिटर्न जो होगा वो आपको किसी भी FD से ज्यादा होगा, 15% 20% से ज्यादा ही होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि केरला में अभी बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है, काफी तबाही हुई है, बहुत सारी कंपनियों पर भी इसका इम्पैक्ट आया है। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए वो कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक्स है जिस पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है, ऐसे समय में कौन से स्टॉक से हमें निकलना चाहिए, या फिर कौन सा स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है इसे खरीदने के लिए, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और प्लीज़ प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।